तो आज हमारा पांचवा सेशन है और आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है मोटर की कंट्रोलर, चार्जर, डीसी-डीसी कन्वर्टर। ये आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं कंट्रोलर के साथ। तो यहाँ पर स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो है कुछ दो कंट्रोलर्स के स्पेसिफिकेशन या नेम प्लेट जिसको बोल सकते हैं वो है। और इसमें नेम प्लेट में क्या-क्या होता है वो पहले देख लें। उसमें पहले तो लिखा रहता है कि ये एक बीएलडीसी मोटर के लिए कंट्रोलर है, ब्रशलेस डीसी मोटर के लिए ये कंट्रोलर है। इसकी मॉडल क्या है वो लिखा रहता है। इसमें ये दो चीज अच्छे से लिखे रहते हैं कि ऑपरेटिंग वोल्टेज क्या है। अब इस केस में देखेंगे तो 48 वोल्ट की ऑपरेशन है, इस केस में भी 48 वोल्ट की ऑपरेशन है। और दूसरा लिखा रहता है करंट लिमिट, मतलब वो कंट्रोलर कितने करंट के लिए सुटेबल है। अभी ये जो है ये 30 एम्पियर के लिए सुटेबल है, ये जो है ये 27 एम्पियर के लिए सुटेबल है, ऐसा ये लिखा रहता है। और वो छोड़ के कुछ अदर फीचर्स रहेंगे वो लिखे रहते हैं कि जैसे यहाँ पर ब्रेक का हाई लेवल का है कंट्रोल, ये फेज एंगल 120 डिग्री, मतलब पावर के तीन फेज है ऐसा उसका मतलब बनता है। मतलब 360 डिग्रीज मतलब पूरा गोल, उसमें 120 डिग्रीज मतलब तीन फेज है। इसमें आपने जो रेगुलरली रहते हैं तीन फेज वो ये है। वो छोड़ के कुछ और चीजें लिखी हुई है, जैसे एंटी थेफ्ट है, फिर रिवर्स की पॉसिबिलिटी है, रिवर्स भी जा सकता है ये कंट्रोलर यूज करके। थ्री स्पीड ऑपरेशन मतलब अपना लो मीडियम हाई जैसे थ्री स्पीड रहता है वो इसमें कर सकते हैं इनकॉर्पोरेट। सेफ स्पीड मोड लगा सकते हैं, हाई वोल्टेज ब्रेक लो वोल्टेज ब्रेक दोनों भी है इसमें, ऐसा लिखा हुआ है। तो इसमें ये सारे फीचर्स हैं। अब आगे चलते हैं कि ये मोटर कंट्रोलर करता क्या क्या है। तो मोटर कंट्रोलर को जो इनपुट है मतलब उसको जो करने का कमांड मिल रहा है वो किस किस से मिल रहा है, वो मिल रहा है एक तो थ्रॉटल मतलब अपना एक्सेलरेटर, अपने एक्सेलरेटर से उसको कमांड मिल रहा है। दूसरा स्पीड सेंसर या फॉरवर्ड रिवर्स जो हमने सामने लगाया कि लो स्पीड पे रखो मीडियम स्पीड पे रखो वो, या फिर फॉरवर्ड में रखो रिवर्स में रखो, उसकी फीडबैक वो कंट्रोलर के पास आ रही है। बैटरी वोल्टेज की फीडबैक आ रही है, बैटरी वोल्टेज उसको मिल रहा है सेंस कर रहा है। मोटर की सेंसर्स और उसका करंट, इसका फीडबैक कंट्रोलर के पास आ रहा है। और इग्निशन की स्टेटस मतलब वो ऑन है ऑफ है अपनी चाबी जो है उसका स्टेटस, ये सब हमारे मोटर कंट्रोलर को कुछ इंफॉर्मेशन आ रही है। और मोटर कंट्रोलर क्या क्या कर रहा है, मोटर कंट्रोलर एक तो अपने डिस्प्ले स्क्रीन पे स्टेटस बता रहा है कि बैटरी का स्टेटस, फिर किलोमीटर रन का स्टेटस, फिर ये सारा स्टेटस जो है वो स्क्रीन पे जाके वो जो आता है वो कंट्रोलर वो चीज बता रहा है। दूसरा एरर डिस्प्ले स्क्रीन पे मतलब अगर किसी का ब्रेक सेंसर अटका हुआ है तो स्क्रीन पे एक एरर सिग्नल आती है, तो वो जो है वो मोटर कंट्रोलर को समझ में आके वो स्क्रीन पे दिखाता है डिस्प्ले पे। फिर तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट काम, बेसिक काम तो ये है कि जो मोटर है उसको जो करंट जानी है वो करंट वो भेज रहा है अपना कंट्रोलर, मतलब स्पीड की सेटिंग के हिसाब से, इग्निशन क्या है उसके हिसाब से वो करंट भेज रहा है अपने मोटर को छोटो से। फिर ओवरऑल मोटर ऑपरेशन के लिए कंट्रोलर का काम है, और फॉरवर्ड रिवर्स स्विचिंग के लिए फिर से कंट्रोलर का काम है। हमने पिछली बार देखा मोटर में जैसे मैग्नेट्स रहता है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स रहता है, तो अगर हमको रिवर्स करना है तो हमको कंट्रोलर के थ्रू ही हम लोग वो कर सकते हैं। सिर्फ वो सिग्नल जो है वो ऐसे नहीं जाके वैसे जाएगा तो गाड़ी रिवर्स जाएगी, अपना वो कंट्रोलर ये काम कर सकता है फॉरवर्ड का रिवर्स का। ठीक है, अभी देखते हैं कि कंट्रोलर में क्या क्या वायरिंग है। ये एक सैम्पल कंट्रोलर है, उसमें अभी एक एक करके देखेंगे। तो पहला तो है अपने हॉल सेंसर्स। तो हॉल सेंसर्स का ये पांच वायर्स का एक कनेक्टर बना हुआ रहता है, और ये हॉल सेंसर जो हमारे तीन हॉल सेंसर है उनका सिग्नल इसके थ्रू आता है। दूसरा है ये मोटर के फेज वायर, मतलब अपने मोटर के जो पावर के हमने तीन फेज पकड़े हैं
वो तीन फेज के एक दो तीन ये वायर आ गए। फिर अगला बोलेंगे कि मेन पावर सप्लाई, मतलब बैटरी जो कनेक्ट होगी कंट्रोलर को वो यहाँ होगी, तो वो हो गई मेन पावर सप्लाई। और उसके साथ इस कुछ कुछ कंट्रोलर में होता है, कुछ कुछ में नहीं होता है कि चार्जर से रिलेटेड जो अपने गाड़ी में जो चार्जिंग का ये है वो का उसका भी चार्जिंग का इधर फीडबैक आ सकता है। ठीक है, तो ये हो गया। अगला है थ्रॉटल वायर। थ्रॉटल वायर मतलब अपना एक्सेलरेटर, अपना एक्सेलरेटर से वायरिंग आएगा और इधर जुड़ेगा, मतलब एक्सेलरेशन हम जो भी कर रहे हैं उसकी सिग्नल हमारे कंट्रोलर को मिलेगी। वो होने के बाद आया ब्रेक वायर। अभी ब्रेक वायर मतलब अपना ब्रेक सेंसर जो है, ब्रेक लगा रहेगा तो फिर हमारी मोटर नहीं चलनी चाहिए या हमारा एक्सेलरेटर नहीं चलना चाहिए इसके लिए। ठीक है, फिर उसके बाद ये इंडिकेटर लाइट वायर जो है ये नॉर्मली अपने स्क्रीन से रिलेटेड है। एक्चुअली जो स्क्रीन पे कुछ दिखाना है वो ये है वायर। फिर पावर लॉक वायर मतलब कुछ गाड़ियों में एक फीचर है जिससे कि अपनी मोटर लॉक हो सकती है, मतलब कुछ समझ में आया कि कुछ प्रॉब्लम है तो फिर रिमोट से भी हो सकता है, तो वो इसको मोटर को जैम कर देती है, लॉक कर देती है। तो वो पॉसिबिलिटी इससे है, पावर लॉक वायर से। और फिर ब्रेक लाइट वायर मतलब ब्रेक लगा रहेगा तभी तो पीछे का लाइट लगता है, वो इधर से समझ में आता है। तो ये हर कंट्रोलर थोड़ा थोड़ा अलग रहता है लेकिन मोटा मोटी लगभग ऐसा ही सारा कुछ रहता है। और हमको एज जब हम व्हीकल खोल रहे हैं या फिर चेक कर रहे हैं तो हमको ये पता रहना जरूरी है कि कौन सा वायर क्या चीज कर रहा है करके, तो हम लोग अच्छे से व्हीकल को रिपेयर या फिर मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा, और एक सिमिलर वैसा ही है, इसमें थोड़ा अलग है। इधर पावर जो है ये हमारी बैटरी इधर जुड़ रही है, बैटरी का इधर है वो अपने मोटर के तीन इधर है पिछले वाले जैसा ही। अपना क्या ये हॉल सेंसर्स का पिछले वाले जैसा ही है, सिमिलर है। ये स्विच करके जो है ये स्पीड का इंडिकेशन देता है, जो अपना स्पीड आता है ना उसके ऊपर उसका इंडिकेशन देता है। फिर ये थ्री गियर मतलब अपना लो मीडियम हाई अपना जो मोड है ना उसका इधर ये है प्रोविजन है। ये थ्रॉटल है, थ्रॉटल तो रहना है, एक्सलरेटर रहना है। और उसके बाद ब्रेक के दो सेंसर है, एक लो ब्रेक और एक हाई ब्रेक। और ये दोनों जो है वो एंटी बर्गलरी मतलब चोरी नहीं होए उसके हिसाब से ये इसका पावर है और ये उसका लॉक है जो मोटर को लॉक कर देता है वो वाला। तो इतने सारे अपने वायर है जो इस कंट्रोलर में है। तो ये जो है अलग अलग हो सकता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन हमको हमारी गाड़ी देखते वक्त समझ आना चाहिए कि हमारी बैटरी के अपने हमारे कंट्रोलर के सारे जो टर्मिनल है वो क्या कर रहे हैं वो हमको अच्छे से समझना जरूरी है। अच्छा, मोटर कंट्रोलर क्या क्या प्रोटेक्शंस रखता है, मतलब प्रोटेक्शन मतलब जो भी कुछ फेल नहीं हुए या कुछ तकलीफ नहीं हुए उसके लिए जो का प्रोटेक्शंस है वो है कि ओवरऑल सेफ्टी ऑफ द मोटर। उसमें क्या क्या है, ओवर वोल्टेज अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन फॉर मोटर। अब जो अपनी मोटर है अगर उसको जरूरत से ज्यादा वोल्टेज गई या जरूरत से कम वोल्टेज गई तो फिर वो ठीक से काम नहीं करेगा और मोटर खराब होने का चांस है। तो इसके लिए हमको अंडर वोल्टेज और ओवर वोल्टेज का प्रोटेक्शन जरूरी है। ठीक है, उसके बाद ओवर करंट प्रोटेक्शन फॉर मोटर, मतलब करंट अपना 30 एम्पियर्स का कंट्रोलर है वो 30 एम्पियर्स के ऊपर का करंट जाने लग गया तो मोटर को रोकना जरूरी है। तो उस टाइम पे कंट्रोलर ही काम करेगा कि हमको 30 एम्पियर्स के अंडर रखने का है। तो वो अलग अलग तरीके से हो सकता है बट उसमें वो चीज होती है। फिर ब्रेक सेंसर से, ब्रेक लगा हुआ है और तुम एक्सलरेट कर रहे हो वो प्रॉब्लम है, साइड स्टैंड का भी वही है। फिर चेंज ऑफ मोड एज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग लो बैटरी, एक तो हो गया अपना लो मीडियम हाई वो बटन से हो गया। दूसरा और एक कंट्रोल रहता है कि जब हमारी बैटरी खत्म पे रहती है, ऑलमोस्ट खत्म हो गई होती है तो क्या होता है कि लास्ट के थोड़ा और ज्यादा चलना चाहिए अपना गाड़ी, इसीलिए वो करंट को लिमिट कर देता।
स्लो जाती है गाड़ी, स्लो जाती है, लेकिन उसका पर्पस ये है कि तुम जहाँ जाना चाह रहे हो वहाँ पहुँच जाओ और एफिशिएंटली हमारे लास्ट के किलोमीटर बन जाए। और अब तुमको भी समझ में आया कि अरे हम लो बैटरी में आ गए, अभी हमको पहुँचना है। तो ये जो चीज़ है ये भी कंट्रोलर में ही बिल्ट इन रहता है कि जो बोलता है कि एक लेवल के नीचे गया तो फिर उस मोड में चला जाओ, हो गया। गाड़ियों में जब हम कार्स की बात करें तो कार्स में इसको लिम्प मोड बोलते हैं, मतलब जैसे एक पैर रहने वाला आदमी कैसे चलता है वैसा उसको लिम्प बोलते हैं। तो गाड़ी भी उस तरह धीरे 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 जाती है, क्यों तो उसको पहुंच जाए कहीं कभी तक। और फिर एंटी बर्गलरी फीचर्स, चोरी नहीं हो उसके लिए, और लॉक के फीचर्स, जो गाड़ी लॉक होने के फीचर्स, ये सारे हमारे प्रोटेक्शन जो है कंट्रोलर में रहते हैं। तो इसके साथ ये कंट्रोलर का पार्ट आज अपना जो है वो कंप्लीट हुआ। उसके बाद अगला पार्ट लेंगे और वो है बैटरी चार्जर। तो अभी चार्जर का काम क्या है? चार्जर का काम है कि एसी इनपुट लेना, जो हमारे पास अवेलेबल है एसी इनपुट लेना, और गाड़ी को बैटरी चार्ज करने के लिए जो डीसी वोल्टेज चाहिए वो डीसी वोल्टेज बैटरी को देना। ये ईवी बैटरी चार्जर का काम है। उसमें दो तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है ऑनबोर्ड चार्जर। ऑनबोर्ड चार्जर जैसे अपने कार में कैसा है कि गाड़ी के अंदर है ये चार्जर, जो एसी से डीसी करने वाला जो एक्टिविटी है वो गाड़ी के अंदर है। तो हम लोग गाड़ी को देते हैं एसी और गाड़ी के अंदर ही एक ऑनबोर्ड चार्जर है जो उस एसी का डीसी करके गाड़ी के चार्जर को, अपना बैटरी को चार्ज करता है। और ये गाड़ी के साथ घूमती है अपने, मतलब ऑनबोर्ड चार्जर है, गाड़ी के अंदर है वो बिल्कुल। तो गाड़ी को हमने चार्जिंग के वक्त एसी इनपुट दिया और उसने अपना अंदर के अंदर उसको कन्वर्ट करके चार्ज कर लिया। तो ये है, बहुत महंगा पार्ट है और व्हीकल कार के हिसाब से सोचेंगे। दूसरा है ऑफ बोर्ड चार्जर, मतलब ये जैसे हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं कि टू व्हीलर्स के लिए वगैरह। तो चार्जर हम गाड़ी के साथ कैरी करते हैं लेकिन वो अलग कैरी करते हैं। तो उसमें अपना जो एसी से डीसी का कन्वर्जन हो रहा है वो उस चार्जर में हो रहा है, ठीक है। और तीसरा है जो कॉन्सेप्ट है, अभी तक आया नहीं है पूरी तरह मार्केट में, वो है पोर्टेबल चार्जर। कि ऐसा मान लो कि तुम्हारी गाड़ी बीच में कहीं बंद पड़ी है और फिर कोई पर्सन आएगा, वो बैटरी लेके आएगा उसके साथ, और जगह पे डीसी से डीसी तुम्हारा गाड़ी चार्ज करा देगा। तो ये एक पोर्टेबल चार्जर का सोच है, अभी तक आया नहीं है लेकिन ऐसा हो सकता है। फिर आता है चार्जिंग स्टेशन। चार्जिंग स्टेशन में भी ये बैटरी चार्जर होता है। चार्जिंग स्टेशन अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, मतलब टू व्हीलर का चार्जिंग स्टेशन, फोर व्हीलर का चार्जिंग स्टेशन, उसमें फास्ट चार्ज, स्लो चार्ज, बहुत प्रकार है उसमें। लेकिन उसमें अपना बेसिकली जो बैटरी चार्जर है वो होता है चार्जिंग स्टेशन पे, ऐसा बात है। और चार्जर जो है वो बैटरी के टाइप पे भी डिपेंड करता है। लेड एसिड के लिए एक अलग टाइप का चार्जर लगता है, लिथियम आयन बैटरी के लिए अलग टाइप का चार्जर लगता है। और लिथियम आयन के लिए क्या लगता है वो हम देखेंगे। अच्छा, तो ये है हमारा एक सैंपल चार्जर। इसमें स्पेसिफिकेशंस में देखेंगे तो क्या क्या लिखा है, कि इसका मॉडल क्या है, फिर इसका इनपुट वोल्टेज कितना हो सकता है, मतलब 180 से लेके 270 वोल्ट तक तुम उसको वोल्टेज दे सकते हो इनपुट साइड पे, मतलब जो हम लोग लगाते हैं चार्जिंग पे वो। और उसका 5 एम्पियर करंट है इनपुट साइड पे, और आउटपुट साइड पे तुमको जो वोल्टेज मिलता है इस चार्जर से उसका लिखा रहता है 67.2, मतलब ये 60 वोल्ट के नॉमिनल वोल्टेज के बैटरी के लिए एक चार्जर है। और डीसी में ये देखो, ये सिंबल है डीसी का, दिख रहा है ना, एक लाइन और कुछ डॉटेड लाइन। तो डीसी में जो है वो 6 एम्पियर्स देता है। तो ये लिखा रहता है एक चार्जर पे, और बैटरी फॉर लिथियम आयन बैटरी ये लिखा हुआ। तो जैसा बोला मॉडल, उसका इनपुट वोल्टेज कितने रेंज में हो सकता है, आउटपुट वोल्टेज क्या देने वाला है वो, और इनपुट करंट मैक्सिमम कितना और आउटपुट करंट मैक्सिमम कितना, ये सारा कुछ इस चार्जर पे लिखा होगा।
48 वोल्ट की अगर बैटरी रहेगी तो उसको हम ऑब्वियसली 60 वोल्ट वाली चार्जर से चार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि ये लिखा हुआ है कि 67.2 वोल्ट्स देने वाला है, तो वो अगर हम लोग लगाएंगे 48 वोल्ट को तो वो सही नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं वो उसका BMS या कोई तो भी रोक देगा, उतना वोल्टेज जाने नहीं देगा। तो जिस लेवल के बैटरी का वोल्टेज है उस लेवल का ही अपना चार्जर सही वोल्टेज का चाहिए। अच्छा, हम लोग फर्स्ट सेशन से भी बात किए कि हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज में जाता है, तो अगर हमारी जो 60 वोल्ट की बैटरी है वो लगभग पूरा जब डिस्चार्ज रहता है वो मे बी 53-52 वोल्ट उसका वोल्टेज रहता है, और जब वो फुल चार्ज हो जाता है मे बी 67 इतना वोल्ट हो जाता है। तो इस चार्जर को 67 पे वोल्टेज रखा है हाँ, और वो हम लोग यूज करते हैं चार्ज करने का, मतलब हायर साइड से लोअर साइड पे जाती है वोल्टेज। अच्छा, एक ईवी चार्जर में क्या क्या फीचर्स रहते हैं या प्रोटेक्शंस रहते हैं उसका एक लिस्टिंग है। मल्टीपल स्टेजेस ऑफ चार्जिंग सुटेबल फॉर लिथियम आयन बैटरी, मतलब क्या है कि लिथियम आयन बैटरी एक शरीर का कंटिन्यूस चार्ज नहीं करते हम लोग, हम लोग उसको कुछ इस तरह चार्ज करते हैं कि स्टार्ट में हम लोग उसको फुल ज्यादा करंट से चार्ज करते हैं, फिर वो धीरे धीरे उसकी वोल्टेज भी बढ़ते जाती है, फिर एक लिमिट पे हम लोग क्या करते हैं कि करंट कांस्टेंट दिया इधर तक, और एक लेवल वोल्टेज आ गई तो हम लोग वोल्टेज कांस्टेंट कर देते हैं, फिर क्या होता है कि उसकी करंट धीरे धीरे कम होते जाती है, और लास्ट में जो है बहुत स्लोली चार्ज होता है। उससे क्या होता है, हमारे जो सारे सेल्स है लिथियम आयन बैटरी के अंदर वो बैलेंस हो जाते, मतलब उनकी जो चार्जिंग है वो इक्वलाइज हो जाती है। इसके लिए हम ये करते हैं, और लिथियम आयन बैटरी के लिए अच्छा है कि हम उसको इनिशियली फास्ट, थोड़ा फास्ट हो जाता है क्योंकि हमारे करंट कॉन्स्टेंट है, तो वो ज्यादा करंट जा सकता है उस टाइम पे, फिर जब एक लिमिट रीच हो जाए तो कांस्टेंट वोल्टेज मतलब करंट कम 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 होता जाता है, और लास्ट में बहुत कम करंट में थोड़ा टाइम चार्ज करना। इससे जो है हमारा लिथियम आयन बैटरी का हेल्थ भी बना रहता है, उसको लाइफ भी ज्यादा मिलता है, और बैलेंस रहते हैं सेल अपने सारे, हो गया। फिर उसके बाद ये है सारे प्रोटेक्शंस जो एक चार्जर में होते हैं, होने चाहिए, सारों में रहते हैं ऐसा नहीं, लेकिन ये चीजें चार्जर में हो सकती है एज अ प्रोटेक्शन। एक तो शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, मतलब क्या, तुमने चार्जर लगा दिया और उधर तुम्हारे आगे कुछ तो भी शॉर्ट हो गया, वायरिंग में शॉर्ट हो गया ऐसा मान लो, तो ये चार्जर को भी उड़ा सकता है अगर शॉर्ट रहेगा आगे तो तुम्हारा कनेक्टर शॉर्ट हो गया। फॉर एग्जाम्पल, तुमने चार्जर ऑन किया, कनेक्टर शॉर्ट है तुम्हारा, तो चार्जर पे ज्यादा करंट आ गया, जल गए, ऐसा नहीं हो इसके लिए शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन रहता है ना। दूसरा ओवरलोड प्रोटेक्शन, मतलब करंट एक लिमिट से ऊपर नहीं जाए उसके लिए वोल्टेज प्रोटेक्शन, ये इनपुट साइड पे रहता है, मतलब इधर पे समझो एकदम से एसी का वोल्टेज बहुत हाई आ गया तो तुम्हारा चार्जर खराब हो सकता है, उसके लिए प्रोटेक्शन ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन है। फिर टेम्परेचर प्रोटेक्शन, हो गर्म हो गया, गर्म हो के उधर कुछ खराब होने का चांस है तो टेम्परेचर सेंसर रहता है और वो टेम्परेचर अपना ऊपर जाने लगे तो वो कट ऑफ करता है, नहीं तो इंडिकेशन देता है कि ऐसा टेम्परेचर ऊपर जा रहा है, तो वो रहता है। फिर बैटरी रिवर्स पोलैरिटी प्रोटेक्शन, मतलब तुम्हारा चार्जर जो है उसने एसी लिया और डीसी दिया और वो डीसी में एक प्लस है एक माइनस है, अभी तुमने जोड़ते वक्त बैटरी को उल्टा लगा दिया कि प्लस को लगाए बिना प्लस का माइनस को लगा दिया, तो इसका मतलब हो गया रिवर्स पोलैरिटी हो गई, ऐसे केस में क्या होगा, फिर से चार्जर जल सकता है, खराब हो सकता है, तो वो अवॉइड करने के लिए रिवर्स पोलैरिटी प्रोटेक्शन रहता है, मतलब अगर तुम्हारी रिवर्स हो भी गई गलती से तो भी वो नहीं जाएगा, वो रोक देगा उधर ही सिस्टम, तो वो होती है रिवर्स पोलैरिटी प्रोटेक्शन। फिर आया अर्थिंग प्रोटेक्शन, ये टू व्हीलर में ज्यादातर नहीं रहता है लेकिन फोर व्हीलर के चार्जर्स में वो जरूर रहता है कि उसका सेफ्टी के लिए
चार्जर के लिए और बैटरी के लिए ये अर्थिंग रहना चाहिए बराबर। फिर आता है फ्लोट करंट एंड एंड ऑफ चार्ज सेल बैलेंसिंग एंड ऑटो कट ऑफ। मतलब जैसे हमने बात किया लिथियम आयन बैटरी, लास्ट में वो हल्का करंट रहता है, जस्ट फ्लोट करंट बोलेंगे उसको, थोड़ा सेल बैलेंस करने के लिए, और फिर वो कुछ वोल्टेज लेवल पे वो कट ऑफ हो जाएगा। मतलब अपना चार्जर पे जो इंडिकेशन आता है, जैसे ये एलईडी इंडिकेशन और स्टेटस ऑफ चार्जिंग, मतलब चार्जिंग कंप्लीट का भी एक सिंबल है, और चार्जिंग चल रहा है उसका भी एक सिंबल है, और चार्जिंग नहीं चल रहा है उसका भी सिंबल। तो वो जो एलईडी लाइट लगी रहती है उससे हमको समझ में आता है कि चार्जिंग कंप्लीट हो गई होगा, या चार्जिंग चल रही है होगा, या फिर चार्जिंग लगी हुई है लेकिन नहीं चल रही। इतना तीनों चीज ये एलईडी से पता चला। फिर कुछ चार्जर्स में ये बूस्ट वोल्टेज बूस्ट करंट रह सकता है। मतलब क्या है कि तुमने महीना भर बैटरी रख दी समझो, उसकी वोल्टेज इतनी नीचे चली जाती है तुम चार्जर लगाने पे भी चार्ज नहीं होता, उस केस में बूस्ट वोल्टेज और बूस्ट करंट दिया समझो, तो फिर वो चार्ज होना शुरू हो जाता है। तो वो कुछ चार्जर्स में वो फीचर रहता है, ठीक है। अगला है एफिशिएंसी। मतलब हम लोग ने एसी दिया, समझो हमने 100 वैट की एसी पावर दी, तो उसमें से 100 का 100 वैट हमारे डीसी साइड में नहीं मिलता, क्योंकि हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, उसमें कंपोनेंट है कुछ कुछ, वो गर्म होते हैं, उसमें ट्रांसफार्मर है, ये है वो है, तो उसमें से 80% से थोड़ा ज़्यादा वो डीसी मिलता है, और बाकी जो है वो सारा हीट बुक हो जाता है, मतलब गर्म होता है। तो एफिशिएंसी जब हम बात करते हैं उसका मतलब हमने एसी दिया 100 तो हमको 80 डीसी साइड पे मिला चार्जर, और 20 वो जो है चार्जर के अंदर उतना खर्चा हो एनर्जी। फिर फैन कूलिंग उसके लिए रहता है कि गर्म जो हो रहा है उसको हीट को हमको बाहर फेंकना है। तो अगर वो फैन भी खराब होता है बहुत बार चार्जर बैठ जाता है, क्योंकि उतना वो हीटअप हो जाता है बहुत जल्दी कि वो कॉम्पोनेंट फेल हो जाता है, तो फैन कूलिंग जरूरी रहता है। फिर कनेक्शन केबल इन आउट एज पर स्पेसिफिकेशन, जो केबल की स्क्वायर एमएम है वो वगैरह दिया सही रहना चाहिए। कनेक्टर्स रहता है तुम्हारा बैटरी जैसा है उस टाइप का कनेक्टर होना चाहिए, वो जरूरी है। और एनक्लोजर प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड, मतलब जो चार्जर है उसको तुम घर के अंदर ही यूज करना है, तो उसका सीलिंग वगैरह जो रहता है वो एक टाइप का रहता है, उसको आईपी रेटिंग बोलते हैं। ये आईपी रेटिंग ये बताता है कि तुम उस चार्जर को घर में यूज कर सकते हो, या हल्के बारिश में यूज कर सकते हो, या पानी में डुबा के यूज कर सकते हो, ये वो आईपी रेटिंग से पता चलता है। तो चार्जर का जनरली एक आईपी रेटिंग स्पेसिफिकेशन में दिया होता है कि भाई ये इस आईपी रेटिंग का है, तुमको इसको इस तरह यूज करना है। तुम इसको जैसे बारिश में तुम चार्जिंग कर रहे हो नहीं चलेगा ये चार्जर, लेकिन तुम घर में यूज कर रहे हो हल्का डस्टी है डस्ट वस्ट है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो वो टाइप का जो है ये आईपी रेटिंग देखना जरूरी है चार्जर का। तो इसी के साथ अपना चार्जर का पार्ट खत्म होता है। अगला आता है अपना डीसी डीसी कन्वर्टर। अब डीसी डीसी कन्वर्टर क्या चीज है कि हमारे जो लाइट है, हॉर्न है, इंडिकेटर है, वो सारे जो है वो 12 वोल्ट पे चलते हैं, और हमारी जो बैटरी है वो अलग वोल्टेज की हो सकती है, 48 की होगी, 60 की होगी, कुछ हो सकता है। तो ये हमने एक डीसी डीसी कन्वर्टर बीच में लगाया है जो इधर की वोल्टेज, जो भी डीसी वोल्टेज है वो लेगा, और 12 वोल्ट हमारे इन चीजों के लिए 12 वोल्ट देगा। तो ये चीजें हमारी चलेंगी, स्टैंडर्ड चीजें चलेंगी। और ये बैटरी का मोटर को जा रहा है वो तो अलग सर्किट है, और इनको लाइट और हॉर्न और इन सब के लिए अलग है। अच्छा, इसमें कुछ ऑक्सिलरी भी लग सकते हैं। अभी कोई गाड़ियों में आजकल ट्रैकिंग आ रहा है, जैसे वो गाड़ी कहाँ है, उसकी अभी की वोल्टेज क्या है, ये सारा इंफॉर्मेशन मोबाइल पे या कहीं तो भी दूर बैठा एक आदमी भी देख सकता है। तो उसके लिए कुछ डिवाइसेस लगते हैं, वो गाड़ी पे लगते हैं, उनके लिए भी कई बार 12 वोल्ट लगता है, तो वो हम यहाँ वो भी चला सकते हैं डीसी डीसी कन्वर्टर से। ठीक है, अभी डीसी डीसी कन्वर्टर में स्पेसिफिकेशन में क्या क्या है,
वोल्टेज इनपुट रेंज कितना है। अभी इस केस में लिखा है कि मतलब 84 वोल्ट टू 12 वोल्ट भी हम लोग देंगे डीसी साइड में तो भी ये कन्वर्टर चलेगा, मतलब 48 के लिए भी चलेगा, 60 के लिए भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद लिखा रहता है उसका वैटेज लिखा रहता है कि ये 100 वैट तक पावर चीजें चला सकता है, और उसकी करंट दिया रहता है कि 10 एम्पियर मैक्सिमम हमारा करंट जा सकता है इस डीसी डीसी कन्वर्टर का। और जैसे इनपुट जो है वो कौन सा है, रेड इनपुट है, येलो आउटपुट है, और ब्लैक जो है वो कॉमन है, मतलब रेड और ब्लैक के अगेंस्ट अक्रॉस हमारा इनपुट है और येलो और ब्लैक के अक्रॉस हमारा आउटपुट है। तो हम लोग और थोड़ा देखेंगे उसको। तो यहाँ जैसे ये है, यहाँ फ्यूज लगा हुआ है बीच में, तो अगर ज्यादा करंट होती है तो फ्यूज उड़ता है और कंट्रोलर डीसी डीसी कन्वर्टर बचा रहता है। तो ये फ्यूज, ये रेड और ब्लैक के बीच में इनपुट और येलो और ब्लैक के बीच में आउटपुट ऐसा, और यहाँ से कनेक्टर से हमारे बाकी सब चीजें अभी इससे आगे जुड़ी हुई है। ठीक है, तो ये है। एक लास्ट चीज जस्ट बताना चाह रहा हूँ कि ऑनबोर्ड चार्जर क्या होता है कार का। वो कुछ इस तरह होता है कि जैसे यहाँ पर लगा हुआ है, गाड़ी के अंदर ही फिट है, ये हमने चार्जिंग को लगाई, ये हमने एसी ही डाली, इधर एसी डाली, और ये जो है इसने एसी का डीसी किया और वो डीसी से ये बैटरी को चार्ज किया। अच्छा, और इसमें एक ऑक्सिलरी बैटरी भी होती है कई कार्स में, जैसे इस ऑक्सिलरी बैटरी से हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह जो गाड़ी का है वो चलता है। तो वो चलाने के लिए भी कभी कभी यहाँ एक डीसी डीसी कन्वर्टर रहता है कि यहाँ से वोल्टेज लेगा, डीसी डीसी कन्वर्ट करा के हमारे इसको चार्ज करेगा और ये हमारा जो चीजें है इलेक्ट्रॉनिक की चीजें वो चलाएगा। तो ऐसा होता है। तो ये ऑनबोर्ड चार्जर जस्ट एक कार के कॉन्टेक्स्ट में कैसा है वो दिखाने के लिए स्लाइड रखा था। तो ये अपने स्लाइड्स कंप्लीट हो गए। अभी हमारे ये दो क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन बता देता हूँ। ये कंट्रोलर है जिसकी स्पेसिफिकेशन है 30 एम्पियर्स और 48 वोल्ट नॉमिनल वोल्टेज, तो इस कंट्रोलर को तुम कितने वैटेज की मोटर के लिए यूज करना प्रीफर करोगे, 1800 वैट के लिए, 250 वैट के लिए या 800 वैट के लिए। तो अभी ये क्वेश्चन है कि तुमको कैलकुलेट करना पड़ता है कि 48 वोल्ट के हिसाब से कितना करंट जाएगा, और ये 30 हमारा कंट्रोलर है तो हम कितना वाटेज के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, वो एक क्वेश्चन है। और दूसरा एक क्वेश्चन है कि एक बैटरी पैक है जिसमें ये 3.7 वोल्ट्स 2.2 एज की सेल्स यूज की हुई है, और उन सेल्स की जो कट ऑफ वोल्टेज है वो 3.2 है, मतलब 3.7 नॉमिनल, 3.2 कट ऑफ, और मैक्सिमम चार्ज वोल्टेज 4.2 है फुल चार्ज वाला। तो तुमको क्या लगता है कि इस सेल्स यूज करने वाले बैटरी पैक को कितने वोल्टेज का चार्जर लगेगा, 55.2 लगेगा, 41.6 लगेगा, 51 लगेगा, कौन सा वोल्टेज का चार्जर लगेगा तुम्हारे हिसाब से। तो ये दूसरा क्वेश्चन है। तो सोचो थोड़ा, मैं